सभी का इंजीनियरिंग की दुर्गेश ने सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास में मैं आज सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड। जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए। सीडीपी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज वाली जो क्लास है आपकी प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए सभी साथी फटाफट लाइव आएँ और क्लास से जुड़े और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का नहीं है? जी हाँ फ्रेंड, उन्होंने अपने सीखने के तीन स्तर बताए थे, निम्नलिखित में कौन सा उसे संबंधित नहीं है? ए परंपरागत स्तर, बी पूर्व परंपरागत स्तर, सी क्रियात्मक स्तर और डी कह रहे आत्म अंगीकृत तथा नैतिक मूल्य स्तर। या फ्रेंड कह रहा है कौन से लॉरेंस कोहल वर्ग, जिसे नैतिक विकास के सिद्धांत का जनक कहा जाता है, उनके थियरी से संबंधित नहीं है? परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, क्रियात्मक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर? बताइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सभी साथी फटाफट अपने आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्या निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से नहीं है? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है। जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, इसका सही जवाब क्या है? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए फटाफट पहले सभी साथी लाइव आ जाइए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाएं, क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जी हाँ बहुत बढ़िया। चलिए एक मिनट थोड़ा सा, आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो साथी लाइव जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे जुड़ रहे हैं वैसे वैसे वीडियो को शेयर कर देंगे। जी हाँ बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ विकल्प नंबर सी कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है विकल्प नंबर सी, क्योंकि क्रियात्मक स्तर ये जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत से संबंधित है। बाकी परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर और नैतिक मूल्य स्तर, ये तीनों संबंध है आपका लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। क्रियात्मक स्तर जो होता है फ्रेंड यह है जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब लगभग सही है। अगला, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था इंगित की गई संक्रमण अवस्था, संकल्प संकलात्मक सॉरी संकल्पना अधिगम अवस्था, रचनात्मक अवस्था या आत्म केंद्रीयता अवस्था? यहाँ फ्रेंड पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की जो अवस्था इंगित की गई वो कौन सी है? इसको थोड़ा सा पहले कोड में किया गया है, इसको थोड़ा सही करते हैं। अब आते हैं इस प्रश्न पर, बताइए नीचे दिए कोड में कौन सा सही उत्तर है? यहाँ अकॉर्डिंग टू पियाजे नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित की गई है। चार विकल्प दिया गया है, इसमें से आपको कोड में सजाना कौन कौन सी हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। पियाजे के अनुसार अपने नैतिक विकास की दो ही अवस्थाएं उन्होंने बताई थी, जिसका नाम है संक्रमण अवस्था तथा आत्मकेंद्रियता अवस्था। जी हाँ आत्मकेंद्रियता अवस्था तथा संक्रमण अवस्था, यह पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की दो अवस्थाएं हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर। नैतिक विकास के सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं वह है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से निर्मितवादी सीखने के सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं, नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है, सी कह रहे हैं संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है और डी कह रहे हैं सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। फटाफट निर्मितवादी सीखने के सिद्धांत के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है, इसी का आपको चुनाव करके बताना है, आंसर कमेंट करना है। जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में, अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट इस क्वेश्चन के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। जल्दी जल्दी पहले सभी लोग एक बार पुनः वीडियो को शेयर कर देंगे, जितने भी साथी लाइव हैं एक बार पुनः वीडियो को शेयर कर देंगे, फटाक से बताएंगे फिर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखिए, निर्मितवादी सीखने सिद्धांत से संबंधित तथ्य जो नहीं है उसी को आपको बताना है। अपने ज्ञान और समझ का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये सही नहीं है भाई, क्योंकि शिक्षक की नहीं छात्र की भूमिका भी संपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शिक्षक और छात्र दोनों इस प्रक्रिया में सामान्य रूप से अपने प्रतिभाग नहीं करेंगे तब तक ये प्रक्रिया सफल नहीं होगी, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि यह सत्य नहीं है, बाकी तीनों चारों आपके सत्य हैं, तीनों सत्य हैं, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्त्रियों में यौना प्रारंभ, जी हाँ यौना प्रारंभ या एज ऑफ ब्यूटी कहलाती है, 6 से 9, 10 से 12, 13, 16, 17 से 19। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी साथियों के जवाब इसके लिए 100% सही होने चाहिए। किस अवस्था में किशोरियों में यौना अवस्था, मतलब किशोरियों में आप कह सकते हैं कि यौन संबंधित परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, कौन से एज में किशोरियों में यौन प्रारंभ की अवस्था जो है कहलाती है या एज ऑफ ब्यूटी कहलाती है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी साथियों के जवाब 100% सही होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएं भैया, किस अवस्था में स्त्रियों की जो आय होती है, किशोरियों की जो आय होती है, एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। चलिए डी और सी। तो फ्रेंड देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में किशोरियों में यह अवस्था परिवर्तन होने लगते हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी इज द राइट आंसर, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। इसी में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, आगे चलकर ये होते हैं, मतलब परिपक्व होते हैं, लेकिन आपको पूछा प्रारंभ होता है, प्रारंभ 10 से 12 वर्ष में होने लगता है। आगे बढ़िए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर तंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य उद्देश्य अंतःक्रिया होती है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए वंचित अंधात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ चिंतन व्यूहरचनात्मक विकास के लिए। बताइए भैया, कंप्यूटर सहायक अधिगम की बात हो रही है, कौन सी विशेषता नहीं है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। फटाफट सभी साथी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सभी साथी फटाफट अपना आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, कंप्यूटर सहायक अधिगम विशेषता जो नहीं है फ्रेंड, वह विकल्प नंबर डी, श्रेष्ठ चिंतन तथा व्यूहरचनाओं का विकास, यह कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है। बाकी A, B, C, 1, 2, 3 ये सारे तीनों आपकी क्या है, कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वास्थ्य के विषय में नहीं है। ये कह रहे हैं स्वास्थ्य के विषय में नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य के विषय में नहीं है। व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, तनाव एवं अंतर्द्वंद एवं हताशा की कम करना, जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करना एवं सामना करने की योग्यता, कौन सा फ्रेंड कहा जा रहा है आपसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करिए, क्या है क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आपके आंसर नहीं आ रहे फ्रेंड, फटाफट कभी साथी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, आपके आंसर नहीं आ रहा, लगता है कुछ नेटवर्क इशू है, तो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए भाई। आते हैं, देखिए पूछा जा रहा है मानसिक स्वास्थ्य के विषय से संबंधित सत्य नहीं कथन है। तो देखिए भैया, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण का संबंध मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कथन से सत्य नहीं है, बाकी सारे यहाँ पर ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हैं, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं से संबंधित हैं, जो नहीं है फ्रेंड वह विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी का संबंध मानसिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि व्यक्तिगत व्यक्तित्व से है, यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व से है, इसलिए बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा विद्यालयी प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है, पाठ्यचर्य, शिक्षक, प्रबंध तंत्र, उपयुक्त सभी। फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कमेंट करके बताएंगे, बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आई होप आप सभी के जवाब बिल्कुल सही होंगे। कह रहा है कि विद्यालयी प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक हैं, पाठ्यचर्य भी है, शिक्षक भी है, प्रबंध तंत्र भी है और उपयुक्त सभी, इसलिए डबल विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर। या फ्रेंड, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
आगे बढ़ेंगे। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार बिहेवियर नामक थियरी किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो जब पर भी व्यवहारवाद की चर्चा होती है कहीं पर भी, तो एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम तुरंत दिमाग में आता है, वह है जॉन वाटसन। जी हाँ, जॉन वाटसन, इन्होंने ही शिक्षा में व्यवहारवाद का मत दिया था, तर्क दिया था, इन्हीं पर आधारित इन्होंने ही 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था, इसीलिए सर्वाधिक नाम इन्हीं का प्रसिद्ध है व्यवहारवाद के लिए। विकल्प नंबर 20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर, 20 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, जी हाँ, शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियंत्रिकी से है, शैक्षिक तकनीकी ए, शैक्षिक तकनीकी दो, कठोर उपागम या मृदु उपागम, इसको कोड में उत्तर देना है, एक और दो, दो और तीन, तीन और एक और तीन या एक और चार। कह रहे हैं फ्रेंड, शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक एवं विज्ञान, भौतिक विज्ञान अभियंत्रिकी से है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी को थोड़ी समस्या हो सकती है इसके आंसर कमेंट करने में। इसका जो सही जवाब फ्रेंड हुआ है, शैक्षिक तकनीकी तथा कठोर उपागम, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसका संबंध फ्रेंड भौतिक विज्ञान एवं अभियंत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग से है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है फ्रेंड? ए, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण मूल्यांकन एवं व्यक्ति, संवेगों की समझ एवं विश्लेषण, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता या चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। कहे संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, जल्दी से बताएं फ्रेंड, किसका संबंध संवेगात्मक बुद्धि से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अपने आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। संवेग का प्रत्यक्षीकरण मूल्यांकन इसका भाई तो यह है संबंधित है, संवेगों की समझ यह भी संबंधित है, चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण यह भी संबंधित है, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता का संबंध संवेगात्मक बुद्धि के आयाम से नहीं है, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर फ्रेंड, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। प्रणाली, जी हाँ, प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों उनके सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ये कह रहे हैं पर्यावरणीय संदर्भ प्रक्रिया अदा तथा प्रदा, इसका है 2 1 4 3 3 4 2 1 4 1 3 4 3 2 4 1। तो बताइए भैया, दिया गया है प्रणाली के तत्वों का क्रम दिया गया, सही क्रम में सजाना है, तो कौन सा क्रम यहाँ पर सही है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट करिएगा, बताइए इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब जो है, देखिए देखिए, प्रणाली का जो तत्व होता है फ्रेंड, सबसे पहले अदा होता है, उसके बाद प्रदा होता है, उसके बाद प्रक्रिया होती है, तब पर्यावरणीय संदर्भ होता है। इसका मतलब फ्रेंड 3 4 2 1, यह कोड यहाँ पर सही है, यह कोड जो है फ्रेंड वही इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो कोड यही है वह इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपाध्यायता से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, विषय वस्तु को समझना, कक्षा कक्ष के वातावरण को जीवंत सक्रिय बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर कमेंट कर बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है? कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री की उपाध्यायता संबंधित नहीं है, फटाक से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए अपने आंसर कमेंट कर बताएं फ्रेंड। तो देखिए भैया, प्रत्यक्ष अधिगम अच्छा विकल्प है, यह तो भैया उपाध्यायता को सिद्ध करता है, विषय वस्तु की स्पष्टता यह भी सिद्ध करता है, कक्षा कक्ष के वातावरण को जीवंत और सक्रिय बनाना यह भी सिद्ध करता है, शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया यह शिक्षण अधिगम सामग्री की उपाध्यायता से संबंधित नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का उपयोग करता है उन्हें कहते हैं, शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने के लिए जिन स्रोतों का उपयोग करता है उन्हें भाई शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
जिनके द्वारा शिक्षक प्रभावी अन्वेषण का कार्य करता है उन्हें तो भाई सहायक शिक्षक अधिगम सामग्री कहते हैं। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है, कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है? प्रदत्तों एकीकरण सत्यापन यह है, प्रदत्त चयन यह भी है, प्रदत्तों का एकीकरण प्रायोगिक यह नहीं है फ्रेंड, स्पष्टीकरण का निर्माण यह भी है। जो नहीं है फ्रेंड वह है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यह आपके खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर खोज प्रशिक्षण प्रतिमान के चरण हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नैतिक विकास के सामाजिक क्षेत्र का निर्माण की अवस्था है संबंधित है गिलफोर्ड से, जीन पियाजे से, कोहलबर्ग से या थॉर्नडाइक से। बात हुई है नैतिक विकास की फ्रेंड, तो नैतिक विकास के सिद्धांत को जिन्होंने दिया फ्रेंड उनका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग इज द राइट आंसर। इन्होंने सामाजिक ठेका निर्माण का अवस्था संबंधित है लॉरेंस कोहलबर्ग से। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर फ्रेंड। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही है। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियाँ हैं, दूसरों के लक्ष्य का प्रतिस्थापन। इसको थोड़ा सा पहले सही कर लेते हैं। यहाँ फ्रेंड कह रहे हैं कि तनाव को घटाने और समायोजन की प्रत्यक्ष विधियाँ हैं, दूसरों के लक्ष्य का प्रतिस्थापन, बाधाओं को हटाना, उद्दातीकरण संशोधन तथा दूसरा मार्ग खोजना। सही विकल्प में सही कोड में इसका आंसर देना है। तनाव को घटाना है, इसके लिए कौन कौन सी प्रत्यक्ष विधियाँ प्रयोग में आप ला सकते हैं? तो जहाँ तक तनाव के घटाने की बात है फ्रेंड, तो दूसरे के लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधाओं को हटाना, उदातीकरण अथवा शोधन, यह तीन विकल्प यहाँ पर सही हैं। सॉरी, दूसरों के मार्ग खोजना, 1, 2, 4 विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर। दूसरे के लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधाओं को हटाना और दूसरा मार्ग खोजना, 1, 2, 4 इसका बिल्कुल सही विकल्प है। कहने का मतलब विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य के पोषण के लिए निम्नलिखित कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है? हास्य मित्रता है और रुचियां, ध्यान एवं आध्यात्मिकता, कठोर कार्य एवं प्रतिस्पर्धात्मक तथा गृह कार्य, स्वानुशासन, स्वनियंत्रण एवं सरल शिक्षा शास्त्र। पूछा जा रहा है मानसिक स्वास्थ्य के पोषण में कौन सी निर्देशन तकनीकी सही नहीं है, या कौन सी निर्देशन तकनीकी यहाँ पर सही नहीं है? तो हास्य मित्रता रुचियां ये तो बिल्कुल सही है, ध्यान आध्यात्मिकता यह भी निर्देशन बिल्कुल सही है, कठोर कार्य प्रतिस्पर्धात्मक तथा गृह कार्य यह भी सही है, स्वानुशासन, स्वनियंत्रण एवं सरल शिक्षा शास्त्र यह यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। इसका जो सही जवाब है फ्रेंड, कठोर कार्य प्रतिस्पर्धा तथा गृह कार्य इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, सी द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब लगभग सही हैं। अगला, आदतों ज्ञान एवं अभिरुचियों का अर्जन है अधिगम कहलाता है। भाई ये बार बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, आदतों ज्ञान एवं अभिरुचियों का जो अर्जन होता है फ्रेंड वो अधिगम कहलाता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आदतों ज्ञान अभिरुचियों का जो अर्जन होता है वह अधिगम कहलाता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अपने सेट के आज अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? कल्पनाशील अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, निपुणता द्वारा अधिगम, अभिवृत्त्यात्मक अधिगम, यानी कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? तो भैया देखिए, संज्ञानात्मक अधिगम होता है, निपुणता द्वारा अधिगम होता है, अभिवृत्त्यात्मक अधिगम होता है। कल्पनाशील अधिगम अधिगम का प्रकार नहीं होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, ए यहाँ पर कल्पनाशील अधिगम का प्रकार नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फ्रेंड। ए कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब लगभग सही हैं। तो ये था फ्रेंड आज का कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।